स्वागत है फिर से आपका मेरी वीडियो में। ठीक है, ये मैं जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ और एक आपको क्विक अपडेट दे रहा हूँ बीटीसी के बारे में। मेरे को लगता है कि बीटीसी अगेन 41,000 डॉलर टच कर सकता है। टेक्निकल के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर कोई बैड न्यूज आती है तो जब टेक्निकल वर्क नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल अपने टेक्निकल के हिसाब से बता रहा हूँ। और ये कुछ ऐसी बातें मैं बताने वाला हूँ जो मेरे को लगता है कि किसी ने भी यूट्यूब पर अभी या किसी ने भी आपको अपडेट नहीं दी होगी। जो मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियो लग रहा है मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम बीटीसी के चार्ट में और दिखाता हूँ मेरे को कि क्या लग रहा है कि जिसके बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि बीटीसी ने, मैंने आपको सुबह ही एक अपडेट दी थी कि ये एक असेंडेंट बना हुआ था, यहाँ से ना असेंडिंग ट्रेंडर बना हुआ था। ये ब्रेक करा लेकिन वॉल्यूम नहीं मिल पाई, उसके बाद ये नीचे आ गया। इसका एक रीजन मैं बता कि ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसके लिए कितनी लंबी की छोड़, कि जो दिख रहा है ना कोई लंबी भी क्यों छोड़ रही है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट पर हमें जाना पड़ा और 15 मिनट के चार्ट पर जाकर एक इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, दैट इज RSI। ठीक है, RSI में अगर आप देखें तो RSI में एक हमें डायवर्जन मिला हुआ है कि RSI लोअर बना रहा है, ये लोअर बना रहा है और जो प्राइस है वो अप बना रहा है। दिस इज का बियरिश डायवर्जन और लास्ट में था कि प्राइस नीचे आए, और यहाँ से देखिए कितने बखूबी से प्राइस नीचे आया है, करीबन कितने का, करीबन यहाँ से 37,690 से लेके अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो चला है 36,900। देखिए, और तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्राइस में स्टाइप अप कर रहा था, असेंडिंग ट्रेंड को तोड़ा था लेकिन उसके बाद नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पे डायवर्जन मिल गया। ठीक है, कभी भी अगर आप ट्रेड ले किसी पैटर्न के हिसाब से तो उसको कंफर्म होने दें, उसके बाद ही ट्रेड लें। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ब्रेकआउट के बाद भी आप कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट था। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद भी पैटर्न फॉलो क्यों नहीं हुआ, अच्छी तरह से काम भी नहीं करा क्योंकि RSI डाइवर्जन वहाँ पर दिख गया था, वो भी बियरिश। मार्केट लाजमी थी कि नीचे आनी थी और वो नीचे आ गई है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे को क्या दिख रहा है चार्ट में। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंडिकेटर दिखा देता हूँ, इंडिकेटर के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और ऐसा ही को हटाना पड़ेगा और हम यहाँ पर ले रहे हैं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, इसे इसके बेसिस पर आपको कुछ दिखा दूँ अगर यहाँ पर आप देखिए EMA, EMA के बेसिस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमारे 3 EMA हैं बेसिकली, मैंने 9 का ले रखा है, 21 का ले रखा है और 55 का, 9, 21, 55 का EMA लगा रखा है। ठीक है, आप देखिए BTC में कितने बखूबी से काम करता है 1 घंटे के चार्ट में। देखिए, जब आपका EMA है बियरिश ट्रेंड ऐसी बात है, जो EMA है आपका 55 का EMA सबसे ऊपर रहेगा, फिर 21 का रहेगा और फिर 9 का रहेगा बीएच पे। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर करीबन 39,840 पर बीएच सिंटम आया था, यानी कि 55 का ऊपर, फिर 21 और फिर 19 का 55, दिस वन इज 55, दिस वन इज 21 एंड दिस इज 9। ये मैंने क्रॉस करा, बीएच बना, देखिए मार्केट कितनी परफॉर्मेंस से नीचे आई है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इधर देखिए आप। ठीक है, यहाँ देख के यहाँ अगर देखेंगे तो पहले अब बिल्कुल उल्टा हो गया, पहले वहाँ 55 का था, फिर 21 का था और 9 का था। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 9 का, 21 का और फिर 55 का फिर से नीचे आ गया। तो यानी कि यहाँ से यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला, यहाँ पर क्रॉस ओवर मिलने के बाद मार्केट ने देखो कितना अच्छा रिटर्न दिया है, 14% अप दिया था, 35,000 से लेके अब मार्केट 40,000 में उससे बाद यहाँ पर का सबसे ऊपर हो जाता है, 21 का उससे नीचे और सबसे नीचे टैंक हो जाता है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो देखिए जब मार्केट यहाँ से गिरी तो 20% का इसने डिप लिया। अगर मैंने बीच में जगह छोड़ दी उसके बाद, ठीक है यहाँ पर आप देखिए अगेन दिस पॉइंट पे, आप देखिए इस पॉइंट पे देखिए आप, ठीक
ठीक है, यहाँ पर ये अगेन 55 तक तो अगर 10% का भी आए तो आप देखिए 41,000 हमारा टारगेट है। और देखिए एक बार देखिए डबली से इसने क्रॉस ओवर दिया है और ये आप जो एक बार कोई नहीं है अगर उसे नीचे जाना है तो बाकी उसके ऊपर सब बुलिश ही बुलिश है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम मान लीजिए अगर 13-10% भी मार्केट बढ़े तो आप ऑल टाइम हिट हो जा रहे हैं करीब पर लगभग 41,000। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक एंगल है। ठीक है, सिमेट्रिकल एंगल सिमेट्रिकल रहेगा, लेकिन उसके अंदर भी अगर आप देखें कुछ मैंने आपको दिखाया था। अब मैं समझता हूँ कि ये मैं हटा देता हूँ, ये मैं आपको सब फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं जो मेरे को दूसरा सिम्टम लगता है। देखिए सिम्टम मेरे को ये लगता है कि हमने आपका संडे एंगल देखा था, उसका फेक ब्रेकआउट हुआ था। क्यों? क्योंकि डाइवर्जन आया था वो भी बेरिश, उसी वजह से मार्केट ने प्राइस और नीचे कर दिया। अब यहाँ पर देखें तो मेरे को अभी जो अभी पैटर्न पूरी बना नहीं है, लेकिन मेरे को जो पॉसिबिलिटी लगती है बनने की वो ये है कि अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें, एक बार दो बार, और अब मेरे हिसाब से ये है कि तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस स्ट्राइक करने है। ये ट्रेंड लाइन है करीबन 36,100। ये ट्रेंड लाइन अगर मान लीजिए अगर स्ट्राइक करने आता है और अगर ब्रेक डाउन नहीं करता, यहाँ से हमें रिवर्सल कैंडल देता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे आ गया और यहाँ पर हमें रिवर्सल कैंडल एक मिल गई तो एक पैटर्न बनना है, दैट इज कॉल्ड है। और आप सभी होगा एक ऐसा पैटर्न है कि अगर उसका ब्रेकआउट हो जाए तो नहीं होगा और उनके सपोर्ट करते चले गए उस पर डेफिनेटली टीपी के अच्छी आप इधर रहते हैं इस तरह का इस तरह एक पर
ऐसे प्रश्न क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अपडेट देंगे। धन्यवाद।